हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में 2008 पदों के बारे में बताने वाला हूं। और लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन के 50 पदों पर ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताने वाला हूँ। इस तरह से कुल पद की बात करें तो कुल 2008 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं, और यह जो आवेदन आमंत्रित किया गया है यह कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। कॉलेज लेक्चरर के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 208 पद हैं। और किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित हैं इसके लिए डिटेल जानकारी मैं नीचे बताऊंगा। लेकिन अभी 10 मिनट पहले मैं एक वीडियो बनाया था, जिसमें लाइब्रेरियन के 434 पदों पर, स्कूल लाइब्रेरियन के 434 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। इससे रिलेटेड मैं वीडियो अभी 10 मिनट पहले बनाया हूं। और आप इंटरेस्टेड हैं सरकारी नौकरी के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं, तो लाइब्रेरियन के लिए एक बड़ी वैकेंसी आ गई है, और जिसमें कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए 50 पद हैं और स्कूल लाइब्रेरियन के लिए 434 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। वह वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है, और इस चैनल का नाम है गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू। लेकिन पहले इस चैनल का नाम UGC नेट क्रैकर था, लेकिन जैसे ही इस चैनल पर सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाने लगा तो चैनल का नाम चेंज करके गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू रखा गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो UGC नेट क्रैकर लिखा हुआ आएगा, वह चैनल सेम है। इसी से पता चलेगा कि आप इसी चैनल पर वीडियो देख रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप से ज्वाइन होना चाहते हैं, मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप ग्रुप से जैसे ही आप ऐड हो जाएंगे तो मेरा नंबर आपके पास चला जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए या नोटिफिकेशन से संबंधित प्रॉब्लम के लिए। तो आप डायरेक्ट SMS के थ्रू या कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, आपका इच्छा हो तो आप ऐड हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है। सबसे पहले यह मैं बता रहा हूँ कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना रेजिडेंशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिक्रूटमेंट बोर्ड में आवेदन आमंत्रित है, और इसी बोर्ड से संबंधित जो स्कूल लाइब्रेरियन के लिए 424 पदों पर आवेदन आया था उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाया था। यह वीडियो कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए है, इसलिए इस वीडियो को अलग से मैं बना रहा हूं। तो इसमें किन किन पदों की वैकेंसी आई है इसके बारे में बताऊंगा, और कुल 2008 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेमेंट के बारे में कि आपको पेमेंट कितना मिलने वाला है। तो 54,220 से लेकर 1,33,630 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाला है। यह सैलरी बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं। तो इस तेलंगाना में जो वैकेंसी आई है, जो सैलरी है, जो पे लेवल है, यह बहुत ही अच्छा है अदर लाइब्रेरियन और अदर पोस्ट की अपेक्षा। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल करना है। तो 17 अप्रैल 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। 17 अप्रैल 2023 से ही लिंक ओपन होगा, और 17 मई 2023 तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। और भी किसी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो पद हैं यानी किन किन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। बस सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो उर्दू में 255 पद हैं, हिंदी के लिए 20 पद तेलुगु में 225 पद हैं और हिंदी में 20 पद हैं, उर्दू के लिए 50 पद, इंग्लिश सब्जेक्ट में कुल 230 पद हैं, मैथमेटिक्स के लिए 324 पद हैं, फिजिक्स के लिए 205 पद हैं, यानी फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, विषय की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री विषय में कुल 207 पद हैं, बॉटनी में 204 पद, जूलॉजी में 199 पद, हिस्ट्री में 7 पद, इकोनॉमिक्स में 82 पद और कॉमर्स में 87 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से सिविक्स में 84 पद हैं, और फिजिकल डायरेक्टर के लिए 33 पद, लाइब्रेरियन के 50 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से हम बात करें तो कुल 2008 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। और जनरल कैटेगरी में हम लाइब्रेरियन की बात करें तो कि अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाइज अभी डिटेल जानकारी नहीं आई है, बट जो सोसाइटी है, एजुकेशन बोर्ड है, जो जगह जगह के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो आपका पद है इसमें पदों की संख्या में बढ़ाई या घटाई जा सकती है, और डिटेल नोटिफिकेशन, ब्रेकअप, वैकेंसी, एज लिमिट, कम्युनिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर डिटेल इंस्ट्रक्शन वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। और कब अपलोड की जाएगी इसमें जो जानकारी दिया है 17/4/2023 से।
उससे पहले मैं ट्राई करूंगा कि यदि वेबसाइट पर जैसे ही अपलोड हो तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं और आपको यह जानकारी प्रदान करूं, जिससे कि आप जल्दी अप्लाई कर सकें। और अदर स्टेट वाले अप्लाई करें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जब तक मैं फुल क्वालिफिकेशन सहित नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं करता हूं तब तक यह जानकारी बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जल्दी मैं जो क्वालिफिकेशन है अदर स्टेट के लिए और जो डिटेल जानकारी है डाउनलोड करके उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपके तक पहुंचाऊंगा। दूसरी बात कि आप कमेंट के थ्रू वीडियो पर जैसे ही कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो फ्रेंड, इसी तरह की सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो के लिए मैं डेली वीडियो लेकर आता हूं और आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो देखें तो लाइक जरूर करें और लाइक नहीं करना है तो डिसलाइक करें, बट चैनल किसी भी हालत में सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।